जिनमें ग्लैंड होते हैं ठीक है तो सारे क्लास uh, एनिमल्स सारे, सारे एक जैसे नहीं होंगे बट सम सिमिलरिटीज इन दैट तो फर्स्टली तो इनमें वर्टिब्रेटा होने की वजह से वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है द डेवलप्ड वर्जन ऑफ द नोटोकॉडल्ड वर्जन ऑफ द नोटोकॉड जस्ट रिमेम्बर दैट एंड ऑल्सो की उनको वो नोटोकॉड के साथ वर्टिब्रल कॉलम मतलब उनका नोटोकॉड डेवलप होकर वर्टिब्रल कॉलम बन गया है ठीक है और अब उन्हें क्लास इसलिए कहेंगे बिकॉज उनमें नोटोकॉर्ड के अलावा भी चीजें आ चुकी हैं उनके उनमें कैरेक्टर्स आ चुके हैं जैसे कि हेयर फर और मिल्क का डेवलपमेंट हो चुका है उनकी बॉडी में इसलिए द वर्ड वी आर गोइंग टू यूज हियर हियर इज क्लास नाउ आता है पहला साइक्लोइोमेटा साइक्लोस्टोमेटा नाम से डरना नहीं है नाम बहुत सिंपल है इसका मीनिंग में समझाएंगे दिस इज हाउ इट लुक्स दिस इज हाउ इट लुक्स इट इज इट लुक्स लाइक अ फिश राइट एक फिश की तरह दिखाई पड़ता है बट ये एक्चुअली फिश नहीं है दिस इज नॉट एंड एक्चुअल फिश दिस इज नॉट एंड एक्चुअली नॉट एक्चुअल नॉट दिस इज नॉट एक्चुअली फिश ये एक फिश नहीं है फिश की तरह दिखाई देता है ठीक है देर आर समरिटीज इन साइटो साइक्लोस्टोमेटा एंड पाइसेस फिश बट इनमें एग्जैक्टली फिश नहीं है अब हम समझते हैं इसको क्या होता है ये जो आपको दिख रहा है ये मरीन ही है एक्वेटिक रहता है बट इसमें क्या है ये अगर आप इसे ज़ूम करें तो इसके माउथ में इसका माउथ इट्स माउथ इज लाइक दिस इट्स जॉलेस माउथ है जबड़ा नहीं होता है इन इसके माउथ में जॉ नहीं है याद रखिएगा जॉलेस है ये यहाँ पे देखिए आपको जबड़ा नहीं दिखेगा जॉलेस माउथ है यहाँ पे जॉलेस माउथ है इसमें जॉलेस माउथ है और इसके ये जो सेंटर पे जो दिख रहा है आपको सेंटर में वी कॉल इट सकर मैं आपको एक और पिक्चर दिखाएंगे इसका इसे हम सकर कहते हैं ये ब्लड ये ये ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं ब्लड सकिंग एनिमल दीज आर ब्लड सकिंग एनिमल ठीक है ये ब्लड सक करते हैं सकिंग एनिमल ये मेनली मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं ओके okay? और हम इन्हें क्या बोलते हैं जॉलिस को हम एग्नाथा भी बोलते हैं वी ऑल्सो यूज द वर्ड एग्नाथा हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था एग्नाथा मतलब होता है जॉलिस जॉलिस ओके okay? एग्नाथा ठीक है तो हम एक और वर्ड यूज करेंगे एग्नाथा दैट इज जॉलिस और गेनेथो स्टोमेटा विथ जॉस जो कि ये एग्नाथा क्लास से एग्नाथा फैमिली से बिलोंग करेगा ठीक है एग्नाथा इसका प्रॉपर्टी होगा चलिए आगे बढ़ते हैं हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर, होता है। सकर का, का काम क्या होता है सकर का, का काम है यहाँ पे ब्लड एनिमल बनाते हैं ठीक है दे आर कॉल्ड टू बी ब्लड सकिंग एनिमल्स दीज आर ऑल्सो कॉल टू बी लैम्परे ऑल्सो नोन एज भी कहा जाते ने दैट मीनस नो जॉज इनमें नो जॉज होते हैं कोई भी एक भी जॉज नहीं होते जबड़ा नहीं होता जैसे हमारे टीथ 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 हैं लाइक वी वी हैव हैव द द राइट इन जॉ जॉ हमारा होता है जबड़ा होता है राइट right? वैसे इनमें ऐसा नहीं होता है ठीक है चलिए अगर इसको हम जूम करके देखें तो यू कैन सी सकर दिस इज हाउ इट लुक्स ये ब्लड सकिंग एनिमल है इसका कैसे हाउ डज इट वर्क मैं आपको एक और दिखाते हैं एक पिक्चर दिखाते हैं ये दूसरे एनिमल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे एनिमल्स में अटैच करने के काम आते हैं अटैच ये सकर अटैच हो जाता है अटैच टू अदर एनिमल्स ठीक है ये दिस इज सिंस दे आर मरीन वाटर ओनली तो ये सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं दे आर नॉट फाउंड ऑन द लैंड ओके दे आर ओनली मरीन एनिमल्स दीज आर ओनली मरीन एनिमल्स ये सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं और इस फैमिली को हम कहते हैं इन्हें हम टुगेदर इस फ़ाइलम जो क्लास में टूगेदर okay? the, पे साइक्लो का सिंपल सा मतलब सिंपली मीन सर्कुलर इसका सिंपली मतलब सर्कुलर याद रखिए कितना इजी है स्टोम यहाँ पे रिलेटेड है स्टोम वर्ड रिलेटेड है आपके माउथ से तो सर्कुलर माउथ ओके तो सर्कुलर माउथ होने की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं साइक्लो स्टोम कहते हैं और साइक्लो स्टोमेटा कहते हैं हाँ हाँ जोक जोक इज मोर लाइक लीच राइट जो हमने ना हाँ हाँ कह सकते हो उनका भी वैसा थोड़ा सा सकर दे है ओके

इनमें एक और टाइप का है हैगफिश जिसे कहा जाता है और जिसे हम माइक माइक्सीन भी कहते हैं माइक्सिन भी कहते हैं ये भी सेम है राउंड आ, राउंड आ, सर्कुलर माउथ का देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल जैसे स्केल याद कीजिए स्नेक में जैसे स्केल ऐसे से होता है ना ये बॉडी ऐसे से होती है उनमें तो ये स्केल नहीं होते हैं ओके नो no स्केल ओके यहाँ पे याद रखिएगा नो स्केल विदाउट एनी स्केल पेयर्ड एपेंडे आर एब्सेंट जो जो याद है मतलब कि जो होते हैं वैसा इन में नहीं होता है Parapodia are absent. Parapodia नहीं होते हैं का मतलब क्या होता है सॉफ्ट बोन्स सॉफ्ट बोन्स याद रखिए जैसे मान लीजिए नी की बात कर लेते हैं नी जो आपका घुटना होता है ना नी तो जो बड़ी मसल है जो बड़ी मसल है ठीक है जो बड़ी मसल है मेन मसल आई विल लेट मी राइट इट हियर मेन मेन बोन सॉरी नॉट मसल बोन और ये भी मेन बोन है इन दोनों के बीच में कार्टिलेज भरे होते हैं छोटे छोटे सॉफ्ट बोन्स भरे होते हैं सॉफ्ट बोन्स भरे होते हैं यहां पे सॉफ्ट बोन्स भरे होते हैं दीज आर कार्टिलेज कार्टी, लेजेस, कार्टी लेजेस इनको हम कार्टी कार्टी लेजेस कहते हैं ये सॉफ्ट बोन्स कहलाते हैं जो कि कुशनिंग का काम करते हैं कुशन की तरह सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराते हैं और जॉइंट करने में भी हेल्प करते हैं दे दे आल्सो हेल्प जॉइनिंग मेन बोन्स हियर ओके सो आर इनका बॉडी क्या है कार्टी लेगे मतलब बहुत हार्ड बॉडी नहीं होगा बहुत हार्ड नहीं होगा इनकी बॉडी में ठीक है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट मतलब कि ये किसी की बॉडी के अंदर नहीं जाते ये बाहर से अटैक करते हैं जैसे अभी आपने पिछले पिक्चर में देखा फिश के बॉडी में अटैक करना फॉर एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन ये इसका एक पिक्चर दी हुआ और माइक्सिन इसका एक पिक्चर ये रहा मैं आपको पेट्रोमाइजोन का एक और पिक्चर दिखाएंगे लेकिन आपको याद होना चाहिए कैसे इसको क्या क्या बॉडी आई हो गया, सकर हो गया गया सकर पाए जाते इनकी बॉडी में गिल्सलेट छोटे 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 ऐसे पोर्स हैं यहाँ पे पोर्स की तरह होते हैं कटे कटे हिस्से होते हैं आपको दिखाऊंगा भी अदर पिक्चर में और ये बॉडी हो गई ठीक है ये टेल हो गया इनमें सो दिस इज हाउ देयर बॉडी इज ओके अनदर पिक्चर फॉर पेट्रोमाइजोन इज दिस दिस इज हाउ इट लुक्स ये देखिए सकर का काम कर रहा है सकर ओके माउथ सकर याद रखिएगा ये आय हो गया इसका और ये रहे इसके गिल्स आप देख सकते हैं यहां पे छोटे छोटे होल्स हैं यहां पे दीज आर गिल्स जिनके थ्रू क्या होता है कि डिजोल्ड ऑक्सीजन को वाटर में जो प्रेजेंट होती है डिजोल्व ऑक्सीजन उसको ये क्या करते हैं यूज करते हैं को ये यूज करते हैं, परफॉर्म इसका एक बहुत अच्छा पिक्चर दिखा रहा हूं क्लियर ना दिखे याद रखिए आई लेट मी क्लियर क्लैरिफाइड मोर आई मैं आपको फिर से समझाता हूँ कैसे आपको समझना है आई ये हो गया इनका सकर जो इनको ब्लड सक करने में हेल्प करता है ये हो गए स्लिट्स हो गए यहां पे देख लीजिए स्लिट्स लेबलिंग आनी चाहिए बिकॉज एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि जस्ट राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द पेट्रोमाइजोन और साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजन का तो आपको ये बॉडी सोन में आ जानी चाहिए इज दिस क्लियर यहाँ पे हम साइक्लोस्टोमेटा को खत्म करते हैं आई रिवाइज इट ऑल्सो बट आई टेक द सम बिफोर दैट